तो ये ओट्स का आटा है, आज मैं इसकी रोटी खाऊंगी। बहुत सख्त हो जाता है, बहुत मुश्किल से इसकी रोटी बनती है, मगर एक रोटी में पेट भर जाएगा। मैं बना सब्जी में क्या बनाया मम्मी? वो टेस्ट तवे पर डलती है। और मम्मी आज सब्जी क्या बनाई है? सब्जी बनाई है आलू मटर शिमला मिर्च। ये देखिए ज्यादा सिक्की नहीं है, वाइट ही रहती है ज्यादा, अभी सेक थी। बस ये मेरा एक रोटी से ही पेट भर जाएगा, अभी मैं खाऊंगी ना तब दिखाती हूँ आपको। और ये मेरी माँ का खाना बन रहा है, जो बेचारी बहुत ज्यादा भूखी है, कितना बोल रही है। क्या हुआ माँ? खाना चाहिए माँ को, अभी बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं वेट लॉस के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी की होती जा रही है। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 95 तक पहुँच गया था, और जब मेरी शादी हुई थी सिर्फ मेरा वेट 40 था। उसके बाद धीरे 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 बढ़ता गया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत पतली थी तो अच्छा लगता था, चलो थोड़ा वेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वो इतना बड़ा और फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई। 4 महीने तक मैं बेड पर रही, तो डॉक्टर ने बोला वेट कम करो। उसकी वजह से घुटनों में इतना दर्द, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो अब फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया, तो मेरा अभी इस टाइम आज सुबह चेक किया था मैंने, तो मेरा वेट 80 आ गया है। तो सोचा कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, सभी की, ज़्यादातर वेट की सबकी परेशानी है। तो जब मैं जो मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर साथ में मिलकर सब पतले होते हैं। तो जो भी मेरा रूटीन होगा, जो भी मैं करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी और हस्बैंड का खाना हो गया है, मैं बाद में खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है खाना खाने में। वो सामने मटका है, मैं मटके का ही पानी पीती हूँ। ये देखिए ये मेरा खाना है, एक रोटी, सब्जी और ये दाल है थोड़ी सी, बस इसी में मेरा पेट भर जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ कैसे खाती हूँ मैं। तो ये सिर्फ इतना तोड़ना है, मैं सब्जी ली और इसको अच्छे से चू करना है, बिल्कुल मुंह में पानी हो जाना चाहिए इसका, तब तक अंदर नहीं करना है। आप देखिए मैं कैसे करती हूँ। पानी बन जाए तब उसको अंदर लेकर जाना है, और अपने खाने को कम से कम थोड़ा भी 25 से 30 मिनट दीजिए, देखो स्लो खाना है। मैंने देखो जब मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने खा लिया, उसके बाद बैठूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपको भी इसी तरह खाना है।
ये देखिए, और ये मेरा किचन टॉप देखिए खाने के बाद क्या हालत हो जाती है। मगर मैं पहले साफ़ नहीं करती हूँ खाना खाने से, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद नींद आने लगती है या फिर सुस्ती आने लगती है। तो अभी मैं खाना खाने के बाद ही इसको इसकी सफ़ाई करती हूँ। तो अब मैं इसकी सफ़ाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा किचन साफ़ हो गया है, सब काम हो गया है मेरा। ये सब्ज़ी है इसमें, और इसमें चाय बनाई है। हस्बैंड को खाना खाने के बाद चाय बहुत पसंद है, तो बस आते होंगे वो, फिर उनको चाय देते हैं। तो मैंने अब शाम की चाय पी ली है, क्योंकि चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ, इसलिए चाय तो मैं पीती हूँ। थोड़ा मीठा कम डालती हूँ, अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि फीकी पीती हूँ। दूध डल कर वो इतनी लगती नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा फीकी चाय हो। तो मेरी चाय हो गई है, अब 6 बजे अपना डिनर कर लेंगे। उसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगी, फिर नाइट ड्रिंक लूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी चाय पी ली थी और बैठी हुई थी, तो फिर बहुत मन किया आप सबसे बात करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा दिन बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, शाम तक या कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है खुद बैठे हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बहुत परेशानी से लगती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कितनी बड़ी दुनिया है और आप बिल्कुल अकेले हो उसमें। ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि हाँ, मुझे मेरे साथ बहुत टाइम पहले हुआ था ऐसा, कि ऐसा लगता था सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बाहर भी जाती थी तो ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, और मैं रोड पर अगर खड़ी होती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सबके लिए, सब की फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, मगर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा फील होने लगता है। तो पता नहीं क्यों मुझे आपसे, जैसे आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा सा लगता है। जैसे कि अपनी बहन या माँ के साथ शेयर करते हैं, या अपनी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। आज ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो आप भी मेरी फैमिली हो, आप मुझे ऐसे प्यार करिए। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, तो मैं शाम का खाना खाने लगी हूँ। आज तो भूख भी नहीं लग रही थी, फिर भी सोचा चलो खा ही लेती हूँ, आपको दिखाना था कैसे खाना है ना। बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, तो सिर्फ इतना लेना है, इतना छोटा सब्ज़ी। मैंने आलू, गाजर, मटर की सब्ज़ी बनाई है, शिमला मिर्च मिक्स वेज बनाई है, तो इसको चीव करके खाना है। जब बिल्कुल पानी बन जाए मैं तब अंदर लेकर जाना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 32 बार या कितनी बार चबाना है। आप पहले शुरुआत में कम कीजिए, फिर हो जाता अपना, धीरे धीरे आदत बन जाती है। 32 30 इतनी बार चबाएंगे
तो बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। तो मैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतनी देर तो मैं वीडियो बना नहीं सकती, आपको दिखाना था। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं अपनी नई ड्रिंक बना रही हूँ। वो मैंने पानी में ना अदरक बॉईल हो रहा है, ये थोड़ी दालचीनी, काली मिर्च और ये अजवाइन का पाउडर और हल्दी डालनी है इसमें। हल्दी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको भी बॉईल नहीं करना, सिर्फ एक बाउल आ जाए ना तो फिर बंद कर देना। और ये बिल्कुल आपको सोते टाइम पीनी है, इसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है ना दोस्तों, आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो गया, खाना भी हो गया और मैंने नाइट ड्रिंक भी बना ली अपनी, मगर मैं सिर्फ अभी नहीं पीऊँगी, सोते टाइम पीऊँगी। उसे बना दी है मैंने, अभी मुझे एक घंटा लगेगा फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी नहीं। और ये अभी ये सब पीछे ऐसा हो रहा है, इग्नोर करना है इसको। मेरा ऊपर अभी मेरे फ्लोर में काम चल रहा है, मेरा घर में मतलब, तो दो तीन दिन में हम शिफ्ट कर देंगे फिर ये। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं नई नई हूँ, मुझे मालूम भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह बोलना है क्या करना है। आप मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।